अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तलहा मुश्ताक और आप देख रहे हैं गल्फ प्रॉपर्टीज़ यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, आजकल हम वीडियोस बना रहे हैं, तो आए चलते हैं आज ब्लॉक 6 में। इसका स्क्वायर फीट जानते हैं, कौन सा यूनिट है फॉर सेल के लिए, इसकी क्या प्राइसेस है और मंथली रेंट आप कितना पे कर सकते हैं। जी हाँ जी, ये भी हम सारा कुछ आज की वीडियो में बताएंगे। तो बगैर किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। जी तो व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है ब्लॉक 6 डिफेंस रेजिडेंसी का। सबसे पहले ब्लॉक 12 बना था वन बेड का, देन ब्लॉक 6 बना और देन 14 में इन्होंने तकरीबन 5 से 6 ऑप्शन हर फ्लोर पे वन बेड के दिए। अभी जो स्पेसिफिक हम बात करने हैं वो ब्लॉक 6 में बात करने हैं कि ब्लॉक 6 में आपकी क्या फ्लोर प्लानिंग है, क्या चीज़ है। जैसे ब्लॉक 12 में आपको एक फ्लोर पे 24 से 25 अपार्टमेंट्स मिलते थे, इस तरह का ब्लॉक 6 में नहीं है। ब्लॉक 6 में, ब्लॉक 12 में आपका ये होता था कि बैक फेसिंग है, फ्रंट फेसिंग है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जो ब्लॉक 6 है, इसका आपका फ्रंट भी ओपन है, आपका बैक भी ओपन है। इसमें एक फ्लोर पे इन्होंने टोटल 8 अपार्टमेंट्स दिए हैं, ठीक है। 8 में से 2 इनके जो प्रॉपर कॉर्नर अपार्टमेंट्स हैं, 1 और 8 नंबर। आज हम स्पेसिफिक फर्स्ट फ्लोर के अपार्टमेंट की वीडियो बनाएंगे। आए पहले इनके थोड़े आप ग्लिम्स देखें कि ये कैसी वर्सनिटी है, उसके बाद मैं आपको एग्जैक्ट अंदर अपार्टमेंट के लिए चलूंगा जो हमारे पास फॉर सेल के लिए। तो आए ग्लिम्स देखें और फिर बात करें। तो व्यूअर्स, इनकी ये मेन एंट्रेंस है जो आपकी ब्लॉक 1 टू 4 की तरफ से जो पार्क है उस तरफ से आते हैं, तो ये आपकी एंट्रेंस बनती है। अभी इन्होंने यहाँ पर ये एक छोटा सा पार्क भी बनाया है ब्लॉक 6 वालों के लिए और ब्लॉक 7 8 वालों के लिए, वीडियो में आप देख भी रहे हैं। तो ये इसकी एंट्रेंस है और ये अभी आप ब्लॉक देख रहे हैं जो एग्जैक्ट ब्लॉक है। अभी इनका इन्होंने नया अपार्टमेंट को इनको पेंट्स किया है ताकि इनकी फ्रेश लुक आ सके। तो अभी चलते हैं हम लिफ्ट एरिया में और फिर हम ऊपर चलते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये ब्लॉक 6 का फर्स्ट फ्लोर है। इस पे एक फ्लोर पे 8 अपार्टमेंट हैं और ये फर्स्ट नंबर अपार्टमेंट है फर्स्ट फ्लोर के। अभी हम ये अपार्टमेंट पे इसके एंटर हो रहे हैं। अपार्टमेंट में स्ट्रेट आप एंटर होते हैं इसके लाउंज में। लाउंज के बिल्कुल साथ इन्होंने एक किस्म का एडजस्टम कह सकते हैं आप कि उसके अंदर इन्होंने किचन बनाया हुआ है। किचन एक छोटी फैमिली, हस्बैंड वाइफ और जिनका एक बच्चा हो, उनके लिए अपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा सुटेबल है। कुछ लोगों ने इसके अंदर अमेंडमेंट्स भी की हुई है, अमेंडमेंट्स इस तरह की हुई है कि यहाँ पर उन्होंने कर्टन रॉड्स, ट्रांसपेरेंट जो कर्टन्स होते हैं वो लगाए हुए हैं, वो लगा के तो फिर इन्होंने इसको एक सेपरेट किया हुआ है। और इसको लोगों ने लाउंज बहुत अच्छे अच्छे सेट किए हुए हैं। माइंड मुझे कोई पिक्चर्स मिली तो मैं उसके साथ अटैच भी कर दूँगा। देन हम स्ट्रेट चलते हैं अपने बेडरूम की तरफ। ये बेडरूम आप अभी देख रहे होंगे, प्रॉपर 12x14 का बेडरूम है, एक रीजनेबल साइज़ का जो आपका बेड है विद साइड टेबल यहाँ पर आ जाता है। ये इसकी वार्डरोब्स जो कंपनी फिटेड मिली हुई है, काफ़ी बेहतर हालत में है और काफ़ी डीप है, जिसके अंदर आप एक रीजनेबल साइज़ का सामान स्टोर कर सकते हैं। देन इसके साथ ये एक इन्होंने बेल्कनी दी हुई है और देन साथ इसका अटैच वॉशरूम है जो आप देख रहे हैं। ये प्रॉपर इन्होंने एक छोटी फैमिली के लिहाज से डिज़ाइन किया हुआ अपार्टमेंट है और ये इसकी एक बैल्कनी है जिसमें से आपको एक पार्क फेसिंग व्यू इसका मिलता है और जो एक रिजनेबल आपको व्यू देता है। शाम को यहाँ पर अच्छी ब्रीज चलती है, हवा चलती है, जिसमें आप इजीली बैठ के इंजॉय कर सकते हैं।
बात रही इस अपार्टमेंट की प्राइसेस की, तो ये एग्जैक्ट अपार्टमेंट 65 लाख रुपीज़ फुल एंड फाइनल में मिलता है अपार्टमेंट, जिसका अगर आप खुद रहना चाहें तो मंथली मेंटेनेंस चार्जेस 3500 रुपीज़ हैं, जिसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिशियन एंड प्लम्बर की जो लेबर है वो फ्री है, लेकिन कोई चीज़ छूटती है तो उसके पैसे होंगे। अगर ये अपार्टमेंट आपने टेनेंट को रेंट आउट किया हुआ है तो इन सेट में आपको 22 से 23 हज़ार रुपये इसका किराया मिल जाएगा, और प्लस 3500 जो मेंटेनेंस है वो टेनेंट पे करेगा आपके बिहाफ पे। अगर आप ये प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो डू लेट अस नो और नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह आपकी एक अच्छी डील करवा दी जाएगी। और थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।